तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो सर्कल चैप्टर वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? सर्कल वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? एनी डाउट? तो एक बार डिस्टेंस बिटवीन अल्फा कॉमा बीटा वो वाला बताना ना। कौन सा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द सर्कल? सर वो शायद कुछ तो ही क्या बोलते पॉइंट्स लिए थे अल्फा कॉमा बीटा और सो कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा कॉमा बीटा। हाँ कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा बीटा होगा वो। तो मतलब ऐसा है, वो सर्कल है, सर्कल स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड सर्कल है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस नो? यस सर। हाँ तो इस पे अल्फा लिया, अल्फा का मतलब है उसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, और एक बीटा लिया, बीटा मतलब एंगल। तो ये अल्फा बीटा का मतलब क्या एंगल है? मतलब है ओरिजिन से जॉइन कर दो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा है। बीटा का मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बना रही है रेडियस। तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी है। तो बस y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी, x अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस y अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और ये सेम थ्योरी जैसे सर्कल में चल रही है ना, ऐसे इलिप्स में और हाइपरबोला में भी चलेगी। तो ये आगे के चैप्टर्स रिपीट होने वाले हैं, पैराबोला पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला। चलेगा? एनी अदर डाउट वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? सर वो पैरामीटर ऑफ इक्वेशन ऑफ जनरल सर्कल का एक बार बताओ। वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो हाँ वही अभी इसको लिख सकते हैं x माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का स्क्वायर, नहीं x प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये कैपिटल x और कैपिटल y होता, ऐसे सोच के देखो, तो कैपिटल x क्या होता, a cos थीटा r cos थीटा, और कैपिटल y क्या होता, r sin थीटा। अब कैपिटल x क्या है, स्मॉल x प्लस जी, कैपिटल y क्या है, y प्लस f। तो इसको रख दो तो ये आ जाएगा स्मॉल x प्लस जी इज इक्वल टू r cos थीटा और स्मॉल y प्लस f इज इक्वल टू r sin थीटा। तो x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा ये हो गया, और y इक्वल टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो तुम अगर नोटिस करो तो ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है? ओके सर। चलेगा? एनी अदर डाउट वीडियो लेक्चर थ्योरी? चलेगा सर्कल्स डीपीपी वन, वन तो हो चुकी थी, सर्कल्स डीपीपी टू थ्री फोर। बोलो क्वेश्चन नंबर, सर्कल्स डीपीपी टू थ्री फोर। सो हाँ बोलो। सो पावर ऑफ पॉइंट में वो आर वन और आर टू का थोड़ा सा कैसे निकले वो एक्सप्लेन करें। कैसे निकले वो? हाँ। है ना, देख अभी क्या होता है, सर्कल है ना, तो ये जो पॉइंट है तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन डिस्टेंस अलोंग द लाइन, तो ये हो गया आर वन, और डिस्टेंस अलोंग द लाइन ये हो गया आर टू। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन ना, जहाँ अपन ने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन में क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसका आर डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई वन प्लस आर साइन थीटा। तो उसी तरह से ये आर वन डिस्टेंस और आर टू डिस्टेंस पर दो पॉइंट है, तो उसको पहले क्या किया, आर के टर्म्स में लिखा, आर के टर्म्स में लिखा और सर्कल पे लाई करा दिया। वो पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन,
तो x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. फिर बाद में जब उसको सर्कल की इक्वेशन में रखा तो वो r में क्वाड्रेटिक आ गई. तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो एक r1 हो गई और दूसरी r2 हो गई. फिर देखा कि लाइन अगर रोटेशन, मान लो रोटेट होती है, यानी एंगल चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट निकाला आर वन इंटू आर वन आर टू भी चेंज होंगे, आर वन एंड आर टू दोनों भी चेंज होंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा. दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा मतलब आर वन आर टू की वैल्यू चेंज होगी पर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा. तो उसको नाम दे दिया फिर पावर ऑफ पॉइंट, मतलब वही पॉइंट की पावर है ये सर्कल के रेस्पेक्ट में. द प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, द प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने जो रिमार्क टू बताया था वो जो आपने कंडीशन लिए थे उसके अलावा कैसे काम करेगा, एक बार डायग्रामेटिकली समझाइए. उसके अलावा? हाँ सर, मीन्स आपने जो कंडीशन ली थी थ्योरी लेक्चर में. हाँ, यही ना, दो लाइंस हैं और वो कॉन्साइक्लिक है. हाँ सर, हाँ सर, मतलब ये एक लाइन है और ये कॉन्साइक्लिक है. हाँ, तो इसमें क्या हुआ? तो ये चारों सर्कल पे लाइक कर रहे हैं, तो डाउट किधर है? तो उसने पूछा कि चारों पॉइंट कौन से, चार पॉइंट हमेशा कॉन्साइक्लिक नहीं होते ना, चार पॉइंट हमेशा कॉन्साइक्लिक नहीं होते. तो उसका पूछना ये था कि अगर ये कॉन्साइक्लिक हो गए तो व्हाट इज द कंडीशन. तो किसी सिचुएशन में हो भी सकते हैं, तो वो सिचुएशन कौन सी थी? तो वो निकाली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट. ये देखो आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू, तो ये हो गया आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू. तो ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आने वाला है. तो यानी ये ए वन ए टू माना, ये बी वन बी टू माना, तो ओ ए वन इंटू ओ ए टू इज इक्वल टू ओ बी वन इंटू ओ बी टू, ये बिकॉज ऑफ कॉन्साइक्लिक. तो ये होगा, तो इससे कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि कब वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे. एनीथिंग एल्स? ओके, बोलो सर्कल्स डीपीपी 2 3 4, सर्कल्स डीपीपी 2 3 4. बोलो क्वेश्चन नंबर. ये क्या बात है, निसर्ग ने सारे नोट डाउन करके रखे थे. एनी अदर क्वेश्चन नंबर? सर बोलो. सर वो चैट पे 123 चला गया, 13 है. कुणाल अंगादी क्वेश्चन नंबर 33, कुणाल अंगादी क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट क्वेश्चन नंबर 13, 18, 20, 21, 24, 26, 36, 40, सम्राट आदित्य थोले क्वेश्चन नंबर 13, 17, 19, 21, 25, 30, 37, 38, 40. Tanvi, question number 11 and 22 done. Jasraj, question number 13, 15, 17, 19 done. Swaraj, question number 11, 12, 13 done. Arnav Chauve, question number 32, 35,
37 डन, ऋत्विक 35 37 डन, आयुष वाटम्बर 19 एंड 37 डन, स्वराज माली क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, क्योंकि डीपीपी 2 में तो बस 16 छोड़ के सारे पूछ लिए, तो कितने डिस्कस होंगे देखते हैं। यश ताइडे 23, 29, 33, 35, अर्णव चौबे 22, 29 डन। एनी अदर, करूँ स्टार्ट? अब कुछ बचा भी है क्या इसमें? डीपीपी 1-2 में तो एक बचा है, डीपीपी 3 में दो बचे हैं और डीपीपी 4 में दो बचे हैं, तो 30 में से 25 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए भाई। अरे यार क्या करूं स्टार्ट? यस, तो कितने डिस्कस होते हैं देखते हैं, है ना। कहाँ गया सर्कल? ओके, तो सर्कल्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भारी है, डीपीपी 2 भारी है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे वो तेरे को लग रहा होगा भाई, सबको नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, कहाँ गया यार ये रहा। 12 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एक लाइन है और एक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2 एक और लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसके बीच में एक अल्फा बीटा पॉइंट है, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में रहना चाहिए। तो अब होगा क्या कि पॉइंट अगर नीचे वाली लाइन के क्लोज है तो मैक्सिमम रेडियस इतना ही हो सकता है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, और अगर पॉइंट इसके ज्यादा क्लोज है दूसरी वाली लाइन के तो उस समय मैक्सिमम रेडियस इतना ही होगा, अगर और बढ़ाएंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो जिसके नियर होगा वही रेडियस पॉसिबल है। तो जिसके नियर रहेगा, तो इसका मतलब अगर मान लो मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो दोनों पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा P1 और P2, तो P1 और P2 में जो मिनिमम होगा वही मैक्सिमम रेडियस हो सकती है। तो P1 और P2 में जो मिनिमम होगा वही मैक्सिमम रेडियस होगी। अब P1 P2 क्या होगा? P1 P2 होगा पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा बीटा का, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बाय रूट 2 कॉमा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बाय रूट 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मॉड लगा दो पॉजिटिव होने के लिए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो रेडियस ये होगी। तो सर्कल कंप्लीटली लाए विद इन दिस, तो सर्कल हैविंग सेंटर एट अल्फा बीटा, रेडियस आर कंप्लीटली लाइज विद इन 2 लाइंस। अच्छा, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? तो देख रहा,
तो उसको कम्प्लीटली लाए करने के लिए रेडियस इससे छोटी होनी चाहिए, रेडियस इससे छोटी होनी चाहिए, तो मिनिमम ऑफ मॉड अल्फा प्लस बीटा प्लस टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो इज ग्रेटर देन रूट टू आर, तो आंसर आ गया इज ग्रेटर देन रूट टू आर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है, तो पी क्यू एंड आर एस इज अ टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज, तो पी आर डायमीटर है, ये पी आर डायमीटर है और ये डायमीटर पे टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये पी आर हो गया, फिर क्या किया, एक ये लाइन ड्रॉ की और एक ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो एक पी आर डायमीटर है, वो पी आर डायमीटर पे पी क्यू और आर एस बनाया है और वो सर्किल पे कैपिटल एक्स पे कट कर रही है, तो अपने को टू आर की वैल्यू पूछी है, तो अपने को टू आर का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो अपने को एक चीज पता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड होता है, तो सपोज ये थीटा एंगल है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो टेन थीटा ट्रेंगल लिया पी आर एस, पी आर एस ट्रेंगल लिया, तो टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिमिलरली ऐसे ही ट्रेंगल लिया पी क्यू आर, अब देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि इधर ये 90 है, अब ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ट्रेंगल पी क्यू आर में टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दोनों टेन थीटा बराबर हैं, तो टू आर बाय आर एस इज इक्वल टू पी क्यू बाय टू आर, तो 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू आर एस, तो 2R इज इक्वल टू रूट पी क्यू इंटू आर एस, सो दिस इज द आंसर, तो वो ए ऑप्शन में करेक्शन है, वो ए ऑप्शन में ना उसने पी क्यू इंटू पी एस लिखा हुआ है, वो पी क्यू इंटू आर एस होगा क्योंकि बाकी चारों ऑप्शन में वही चल रहा है। हाँ बोलो सर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, क्योंकि ये जो पढ़ा उससे तो रिलेटेड नहीं था लेकिन मतलब है ना, आना चाहिए। नहीं नहीं पढ़ा है, उससे रिलेटेड है ना, सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो ऐसे लेकिन ये प्रॉपर्टीज तो इन जनरल है ना, वो इन जनरल काई को, तुमने इधर ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 90 सबटेंड करता है, वो यूज किया ना प्रॉपर्टी सर्कल का, तो ये सर्कमफेरेंस पे जो 90 डिग्री सबटेंड करती है डायमीटर, तो वो तो सर्कल का ही प्रॉपर्टी है ना, इसलिए ठीक है ना सर। ये चैप्टर में सिर्फ 10th के प्रॉपर्टीज का यूज किया है ना, 11th का कुछ नहीं था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन आते हैं ना जेई, इवन यू कैन एक्सपेक्ट इन जेई में इन एडवांस कि वो 10th के बेसिस पे सॉल्व हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल है कि 10th के सिलेबस से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। है ना so, इसलिए हाँ बोलो सो यहाँ पर पावर ऑफ पॉइंट लगा सकते हैं, पावर ऑफ पॉइंट के लिए एक पॉइंट से दो लाइन निकलनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक ही पॉइंट से दो लाइन निकलनी चाहिए ना पावर ऑफ पॉइंट के लिए, तब लगाते हैं पावर ऑफ पॉइंट। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में इजी है क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड
इंटरसेप्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू एन. तो अपने को समझना ये है कि अगर ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है, अच्छा एन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो एन एन का वैल्यू वन रखा, एन का वैल्यू टू रखा, एन का वैल्यू थ्री रखा, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइन सर्कल को कट कर रही होगी और एक टाइम के बाद में बाहर निकलना चालू हो जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई तो ऑल दीज आर पैरेलल लाइंस, तो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है. तो वो बोल रहा है कि जब तक कट कर रही है उस समय स्क्वायर लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स क्या होगा, जब तक वो कट कर रही है तब तक. तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले चेक कर लिया कि n की वैल्यू क्या हो सकती है. तो x प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू जीरो, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली ओरिजिन से, तो एन अपॉन रूट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और वो रेडियस से कम होना चाहिए तभी तक वो कट करेगी, तो लेस देन टू रेडियस से कम, तो मॉड एन लेस देन टू रूट टू, है ना. तो n जो होगा वो 2 रूट 2 से कम होना चाहिए. अब 2 रूट 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 1.414 यानी अराउंड 2.8 समथिंग. तो n की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 2, क्योंकि उसको 2.8 से कम होना है, तो 1 और 2 ही पॉसिबल है. तो ठीक है, तो ये सर्कल है x प्लस वाई इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, तो कॉर्ड की लेंथ निकालनी होगी, सेंटर हो गया 0,0, रेडियस हो जाएगी 2. अब मुझे चाहिए ये कॉर्ड लेंथ, तो मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, पहले ओपी निकालना पड़ेगा. तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ओपी निकाला ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1/√2. अब बीपी निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट ओवर ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, तो विच इज 4 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 8-1 यानी 7/2. तो क्वेश्चन ने पूछा स्क्वायर का सम, अच्छा ये तो बीपी हुआ, तो ए बी कितना हुआ, तो ए बी हुआ 2√7/2. अब इसी तरह से दूसरी लाइन, जब x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ओपी बी ए इस बार 1-1-1 ले लेते हैं, तो ये 2 रेडियस हो जाएगा, तो ओपी 1 कितना होगा, 2/√2. तो फिर बी वन पी वन कितना होगा, रूट ओवर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी वन स्क्वायर, तो ये होगा रूट ओवर 4 माइनस 2/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4-4/2, तो ये आ जाएगा 4/2, है ना. सर वो OP1 डिस्टेंस कैसे निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पॉइंट का, लाइन से पॉइंट दे रखा है 0,0, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझा. तो A1 B1 कितना होगा, डबल ऑफ रूट ओवर 4/2. तो क्वेश्चन ने पूछा स्क्वायर का सम, तो AB का स्क्वायर प्लस A1 B1 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हो जाएगा 4 × 7/2, और A1 B1 स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4/2. तो ये कितना आ रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 7 ये 2 हो जाएगा, तो 7/2 + 2, तो 4 × 2 × 4, तो 11/2, तो ये 22, तो 22 इज द आंसर. इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस n की वैल्यू 1-2 लेके चेक करना था. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कितने पॉइंट्स, कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स अंदर हैं, कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स अंदर हैं. तो होगा क्या कि उसने बोला है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 25, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 25, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 5,0, ये हो जाएगा 0,5. तो मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लूंगा
और उसका फिर मैं देखूंगा कितने कितने हैं। तो देखो, तो 0.0 एक हो गया, 0.0 फिर 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। तो देखो, तो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ये हो गए। तो ये हो गए चार। मैंने 0.0 नहीं काउंट किया, वो बाद में काउंट करूंगा। तो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ये हो गया। फिर 1.1, फिर 2.1, 3.1 और 4.1 अंदर ही होगा। ये ऐसे भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज नेगेटिव। तो जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब वो अंदर ही है। तो ये भी है, तो चार। फिर नहीं तो एक काम करते हैं, एक्सिस के बाद में काउंट करते हैं, पहले अंदर काउंट करते हैं क्वाड्रेंट के। तो मैं एक्सिस वाले बाद में काउंट करता हूं। तो ये हो गया 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, चार। फिर 2.2, नहीं नहीं 1.2, 2.2, 3.2 और 4.3 सर्कल पर होगा, तो सिर्फ तीन ही आए। फिर 3.1, 3.2 और 3.3 अंदर होगा, तो तीन। फिर 1.4, 1.4 और 2.4, तो ये दो हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, चार, तीन, सात और तीन दस, दो बारह। तो इसका मतलब 12 इधर भी मिलेंगे, 12 इधर भी और 12 इधर भी। तो यानी 48 प्लस जो एक्सिस पर 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो चार। तो चार इधर भी मिलेंगे, चार इधर मिलेंगे और चार इधर मिलेंगे, तो 16 और एक ओरिजिन अकेला। तो कितना हो गया, तो देखो, आठ छः 14, तो 64, तो ये तो 65 आया, 65, कहीं तो चार कम पड़ गए भाई। बारह तो सही है ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तो नहीं होगा। फिर 2.1, 1.2, 2.2, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 48, 8 6 14, 54, 10 64 और 1 65। तो देखो ना, 1.1, 2.1, 3.1 और 4.1, फिर 1.2, 2.2, 3.2 और 3.3। अच्छा, ये काउंट नहीं किया मैंने 3.3, ये काउंट किया मैंने 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 ने, हाँ एक 4.2 भी होगा ना। तो ये 4.2 काउंट नहीं किया मैंने, ये वाला, तो 4.2, तो यहाँ पे चार आएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 हो गया, तो ये 60 16 6 64, अरे यार नहीं नहीं वो 13 हो जाएगा, एक बड़ा ना, ये 13 हो जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा, ये 69 आएगा। तो ये दिस इज द आंसर 69। एक घंटे में 25 क्वेश्चन नहीं होते आर्यमन। तो इसके अंदर देख लो, मैं फिर से बता देता, ये 13-13 आए, तो ये 13-13 पॉइंट्स, तो 13-13 पॉइंट्स। तो पहला तो कौन सा, तो 1, तो देखो 1.1,
1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1 फिर 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2 फिर 3 पॉइंट्स तो 4, 4, 8, 3, 11 और फिर 2 पॉइंट्स तो ऐसा है तो 4, 4, 8, 3, 11 और 2, 13 तो 13 पॉइंट्स तो 13 इसके अंदर फिर एक ओरिजिन तो 13 × 4 प्लस फिर ये एक्सिस पे 4 पॉइंट्स फिर एक्सिस पे 4 पॉइंट्स तो वो हो गया 4 × 4 और एक ओरिजिन तो 69। क्वेश्चन नंबर 15 सर इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है क्या? नहीं ऐसे करना पड़ेगा लोकेट करके इसलिए उसने रेडियस कम दी है 25 वाली दी है और ये 15 बहुत इजी क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है नल एक तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस म्यू माइनस 4 एक्स वाई माइनस लैम्डा एक्स माइनस म्यू वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 बहुत इजी है अगर ये सर्कल है तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू और लैम्डा प्लस म्यू माइनस 4 इक्वल टू 0 तो ये 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू 2 तो इक्वेशन आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 तो यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0 तो इसका रेडियस कितना होगा तो इसका रेडियस होगा रूट ओवर g स्क्वायर यानी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस f स्क्वायर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 10 तो रूट ओवर 1/2 प्लस 10 तो ये हो जाएगा रूट 21/2 इजी क्वेश्चन था ये पर रूट 21/2 आंसर आ रहा है क्या नहीं अच्छा बाय 4 नहीं तो रूट 21/2 है ना तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 तो रूट 42/2 आ जाएगा एक मिनट में पानी पी लेता ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 तो 17 में क्या दिया है -6, 0, 0, 6 और -7, 7 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो देखो इजी है -6, 0, 0, 6 -7, 7 तो इन सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो बस कोई मुझे सेंटर और रेडियस दे दो तो काम हो जाएगा तो सेंटर कैसे निकलेगा वो इन सेंटर आरसीसी में पढ़ा था ना इन सेंटर ax1 + bx2 + cx3 वहां से आएगा तो अपने को क्या होगा डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी तो ठीक है ना डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आएगा -7 यानी 7² 49 + 1 √50 फिर इधर आएगा √50 आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इधर आ जाएगा 2 ये √36 + 36 आएगा तो 6√2 तो 6√2 √50 को लिख सकते हैं 5√2 तो देखो ये हो गया 5√2 और ये हो गया 6√2 तो बस इन सेंटर निकालना है ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c ऐसा ही y कोऑर्डिनेट पे भी लगेगा और रेडियस तो यहाँ से आएगा इन सेंटर और रेडियस कहाँ से आएगी वो जो इन सेंटर आया उसका अगर मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है तो इन रेडियस हो जाएगी इन सेंटर से बीसी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आई टू बीसी तो वहां से रेडियस आ जाएगी
तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 17 डन. 18 the two rods A and B slide along x-axis and y-axis in such a way that the end points are concyclic. मतलब ये ऐसा हो रहा है, मान लो ये सर्कल है, अरे यार ये सर्कल बन जाए बस. तो ये सर्कल है, तो वो क्या कह रहा है कि ये रॉड की लेंथ A B है और ये रॉड की लेंथ A है और ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है. तो देखो कैसे करेंगे, तो सेंटर का लोकस निकालने को बोला है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल. तो जिसका लोकस निकालने बोला है उसको एच कॉमा के लेंगे. तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगा और ये डिस्टेंस ए बाई टू होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर प्लस के स्क्वायर. सेम ऐसे ही एक और बनेगा, एक ये हो गया, ये रेडियस आर हो जाएगा, ये बी बाई टू लेंथ हो जाएगी और ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय फोर प्लस एच स्क्वायर और दोनों बराबर है. तो ए स्क्वायर बाय फोर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय फोर प्लस एच स्क्वायर. ये इजी था, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रख दो, लोकस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 डन. नेक्स्ट है 19. In an isosceles right angle triangle is inscribed in the circle. एक सर्कल है, x square plus y square is equal to r square. उसके अंदर isosceles right angle बनाया है. तो ऐसा कुछ होगा. Sorry. Excuse me. तो 19th में an isosceles right angle triangle is inscribed in x square plus y square is equal to r square. If the coordinates of an end of the hypotenuse are a comma b, तो then the coordinates of the word. अरे ये क्या, ये तो बहुत ही easy question है. कैसे करते तुम लोग time pass? तो देखो इसमें क्या होगा, तो अभी अगर ये सर्कल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली डायमीटर हो जाएगी ये. तो उसने बोला है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, ठीक है. अब अपने को पता है कि सर्कम सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है. तो इसका सेंटर और ट्रायंगल का सर्कम सेंटर सेम ही होगा, तो 0, 0. तो बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा माइनस बी आ जाएगा. तो अब बचा ए के कोऑर्डिनेट्स, तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने अपने को. तो होगा क्या, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 यहाँ पे बनेगा, तो ये 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है. अब अपने को बस कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए. तो मैं क्या करूं, अच्छा अब ये ए कॉमा बी, ये तो बहुत फंडे लगाने पड़ेंगे. ये जो लाइन की इक्वेशन है ना बीसी, इसके परपेंडिकुलर ओए की इक्वेशन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैपिटल ए आएगा. तो देखो, तो स्लोप ऑफ बीसी कितना होगा सर, ट्रिगो से? ट्रिगो से यार मेरे को डाउट है, इक्वेशन लगेगी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सर, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे ही है, तो 2r√2 से नहीं. लेकिन वो ट्रिगो सिर्फ क्या कर रहा है, लेंथ निकाल के देगा, और उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तेरे को या तो तेरे को लेंथ ही कोऑर्डिनेट रहेगी ना, कोऑर्डिनेट रहेगी ना. लेंथ कोऑर्डिनेट क्यों होगे, वो ओरिजिन है सर, ओरिजिन सर्कल है ना. हाँ लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि लेंथ कोऑर्डिनेट हो. अभी जैसे फॉर एग्जांपल
अगर ये लेंथ है 5 तो सर अगर लग रहा है कि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। हाँ तो मैं ये y ये x एक्सिस नहीं है और ये y एक्सिस नहीं है तो मैंने इसको रैंडम लिया है तो इसलिए ऐसे करना पड़ेगा जो मैं बता रहा। तो स्लोप ऑफ BC आ जाएगा BA तो स्लोप ऑफ OA कितना होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे सर्किल के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक और कंडीशन यूज करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि ये रेडियस है ना ओसी तो ओसी रेडियस है तो वो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू यूज होगी यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए निकलेगा। ठीक है थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अभी जितने डिस्कस होंगे ना उतने डिस्कस कर लेंगे अपन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इफ अ लाइन सेगमेंट AM इज इक्वल टू A मूव्स इन द प्लेन XOY रिमेनिंग पैरेलल टू OX OX मतलब X एक्सिस so that the left hand point slides along the अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्या हो रहा है ये सर्कल है और ये सर्कल पे एक रॉड चल रही है ये रॉड है ए लेंथ की और उसका जो एक पॉइंट है ए वो सर्कल पर है और दूसरा पॉइंट एम है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ए स्लाइड्स अलोंग द सर्कल द लोकस ऑफ एम तो एम का लोकस निकाल रहे थे एम कौन होगा एच कॉमा के तो अब ए के कोऑर्डिनेट तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एच माइनस ए कॉमा के क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ए और एम का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा और एक्स कोऑर्डिनेट एच माइनस ए एंड दिस लाई ऑन द सर्कल दिस लाई ऑन द सर्कल ऐसे बहुत काम करती है ट्रिक तो एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फिर लोकस एच की जगह एक्स के की जगह वाई। क्वेश्चन नंबर 20 डन नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन नंबर 21 ओके 21 क्वेश्चन किधर है 21 DPP3 में अच्छा क्वेश्चन है 21 ओके क्वेश्चन नंबर 21 देखो तो 21 अच्छा क्वेश्चन है तो एक सर्कल है तो उसका पी पॉइंट है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा मतलब ये थीटा कोऑर्डिनेट तो ये हो गया थीटा। अब अपने को क्यू को लोकेट करना है तो क्यू क्या दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा तो इसका क्या मतलब होगा कि अल्फा माइनस थीटा एंगल बन रहा है तो अगर ये थीटा है तो कहीं ना कहीं माइनस थीटा एंगल पर भी कुछ होगा तो ये हो गया माइनस थीटा तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब इसमें अल्फा ऐड कर दो तो अल्फा ऐड करेंगे तो कहीं तो आएगा तो यहाँ आएगा तो ये अल्फा ऐड किया मैंने इसके अंदर तो ये एंगल हो गया अल्फा माइनस थीटा तो ये एंगल हो गया अल्फा माइनस थीटा। अब देखो इसमें और दिमाग लगेगा तो ये Q पॉइंट हो गया तो P आ गया Q आ गया तो ये थीटा एंगल पर और ये अल्फा माइनस थीटा एंगल पर तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ तो बचा हुआ एंगल हुआ थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा यानी 2 थीटा माइनस अल्फा और उसका आधा कितना होगा मैं इसकी एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ
इसके एंगल बाय सेटर निकाल रहा हूँ, तो ये आधा एंगल कितना होगा, तो ये आधा एंगल होगा 2 थीटा माइनस अल्फा बाय 2 यानी थीटा माइनस अल्फा बाय 2, तो ये एंगल आ गया थीटा माइनस अल्फा बाय 2, तो फिर ये एंगल कितना होगा जो ये एंगल बाय सेक्टर और एक्स एक्सिस बना रही होगी यानी ये वाला जिससे हमें स्लोप मिलेगा, तो वो एंगल होगा थीटा माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बाय 2, तो ये एंगल होगा अल्फा बाय 2, तो इसका मतलब है ये एंगल बाय सेक्टर जो है वो अल्फा बाय 2 एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप हो गया टेन अल्फा बाय 2, तो अपने को पता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि P और Q, तो इसका मतलब हुआ कि P और Q को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है जो कि ये अल्फा बाय 10 अल्फा बाय 2 स्लोप पे है, तो लाइन है y इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2 इनटू x, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी PQ कॉर्ड की, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो P और Q मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो P एंड Q आर मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू P एंड y इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2 x। ये स्टार लगा लो क्वेश्चन को, 21 को, 21 को स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो P और Q 10 अल्फा बाय 2 इंटू x की मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2 इंटू x। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, द पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल, P starts moving under condition that its path encloses the greatest possible area and it is a fixed distance from an arbitrary chosen fixed point in its region, the locus of P. तो वो क्या रहा है, पहले सर्कल समझना पड़ेगा, तो x square plus y square minus 4 equal to 0 और x square plus y square minus 8x plus 7 equal to 0, तो ये दो सर्कल कैसे सर्कल हैं, एक तो सेंटर जिसका ओरिजिन हो जाएगा और जो दूसरा सर्कल है उसका x का टर्म है पर y का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उसका एक x कोऑर्डिनेट सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अब नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर इन दोनों का जो एक कॉमन रीजन है उसके अंदर अपने को एक सर्कल बिठाना है, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन रीजन है उसके अंदर सर्कल बिठाना है, तो वो मैक्सिमम कितना होगा तो वो बिठाना है, तो ठीक है। तो देखो ये हो गया 0,0, ये सेंटर हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 होगा 4,0 और ये रेडियस हो जाएगी 4 यूनिट और इसकी रेडियस आएगी रूट ओवर 16 माइनस 7 यानी रूट 9, 3, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3। तो देखो तो ये होगा 4,0, ये कितना होगा, अगर रेडियस 3 है और ये 4 है, हाँ बोलो, रेडियस 2 होगा ना उसका, किसका, अरे हाँ यार थैंक यू, सही है सही सही। तो देखो हाँ, तो पहले वाले सर्कल के रेडियस 2 होगी, पहले वाले सर्कल के रेडियस 2 होगी, दूसरे वाले सर्कल के रेडियस 3 है क्योंकि R2 is equal to root over 16 minus 7, तो root 9 equal to 3, तो फिर ये पॉइंट कौन होगा, ये होगा 2,0, ये है 4,0, तो ये डिस्टेंस और ये रेडियस कितनी है 3, तो इसका मतलब ये जो गैप है ये गैप होगा 1, है ना, तो ये 2,0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, तो ये 2,0 आ गया, ये लेंथ 2 है, ये 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0, तो उसका मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा अपना, तो ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आएगा 3/2,0। तो देखो सर्कल की इक्वेशन x माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, अब बचा रेडियस, तो देखो ना उसके बीच की, तो ये सर्कल बनेगा ये वाला,
तो ये एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो उसकी रेडियस, तो डायमीटर कितना है उसका, वन, तो रेडियस हो जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा वन बाय टू का स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है 22 डन. नेक्स्ट 23. The set of values of C so that the equation y equal to mod of x plus C and x square plus y square minus 8 mod x minus 9 equal to 0. Y equal to mod x plus C and x square plus y square minus 8 mod x minus 9 is equal to 0. So ye bol raha have no solution. Have no solution. तो हैव नो सॉल्यूशन का मतलब है कि वो इसको कट नहीं करेगा. तो लाइन जो होगी वो सर्कल को कट नहीं करनी चाहिए, है ना. तो देखो, तो मॉडुलस है, मॉडुलस का रीडिफाइनिंग, तो पहले मैं ले लेता हूँ एक्स पॉजिटिव, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, और दूसरी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस नाइन. तो ये लाइन इसको कट नहीं करनी चाहिए, तो लाइन कट नहीं करनी चाहिए, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस is greater than radius. तो वहां से आएगा. तो पहले सेंटर निकालते हैं 4, 0, फिर रेडियस निकालते हैं 16 प्लस 9 तो 5, और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 4 माइनस 0 प्लस सी अपॉन रूट 2 इज ग्रेटर देन 5. Is greater than 5. तो ये आ जाएगा mod of 4 plus c is greater than 5 root 2. तो 4 plus c is greater than 5 root 2. तो c is greater than 5 root 2 minus 4. ये एक आ जाएगा. Has no solution. तो अपने को क्या करना है ना. तो ये एक आ गया, तो दूसरा कौन आएगा, c less than नहीं नहीं एक मिनट, हाँ नहीं ना, तो ऑप्शन मैच कराना है, तो 5 रूट 2 माइनस 4, तो डी ऑप्शन आ रहा है ना. 23 डन. नेक्स्ट है 24. हाँ बोलो. अगर डायरेक्टली y रख देते सर्कल के इक्वेशन में तो वो भी चलता है. फिर ऐसा होता कि x की क्वाड्रेटिक होती और डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 बोलते हैं फिर अपन, कि रूट्स आर इमेजिनरी. तो वो एक ही चीज है, क्योंकि वो उसी का प्रूफ वहीं से आया है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. इफ 2.5 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 12y प्लस p इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 12y प्लस p इक्वल टू 0 एंड द सर्कल नाइदर कट्स नॉट टचेस एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो बस, तो पहली कंडीशन कि 2.5 इंटीरियर है, तो s1 इज नेगेटिव, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो g स्क्वायर माइनस c इज नेगेटिव. और तीसरी कंडीशन f स्क्वायर माइनस c इज नेगेटिव. तीनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर आएगा. 24 डन. The centers of the set of circles, each of radius 3, lie on the circle locus of the point. ये तो easy question है. ये एक circle है, x square plus y square is equal to 25. तो वो पूछ रहा है कि वो circle के वो points का locus, कि अगर circle पे कोई भी point लिया, तो उसकी distance ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी. तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा distance 3 होगी. तो मतलब इधर से 3 या इधर से 3, तो इसके अंदर एक, तो इसके अंदर या फिर इसके अंदर. तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, एक ये रेडियस का सर्किल होगा और एक ये रेडियस का सर्किल होगा. तो देखो, तो बाहर वाले सर्किल का रेडियस हो जाएगा 8 और अंदर वाले का हो जाएगा 2, अंदर वाले का 2. तो वो तो लोकस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 64. तो इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे,
वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 डन। नेक्स्ट है 26। देखो, द एब्सिस ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, क्वाड्रेटिक है। उसके जो रूट्स होंगे वो ए का एक्स वन कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एंड देयर ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू पी वाई ले लो इसको, वाई स्क्वायर प्लस टू पी वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसके दो रूट्स होंगे वाई वन और वाई टू। तो अगर ए एक्स वन वाई वन है और बी एक्स टू वाई टू है, तो इसके डायमेट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो ईजी है, तो डायमेट्रिक सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। तो अपने को भी पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स एक्स वन एक्स टू है, तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। तो दोनों को ऐड कर दो, बस वही सर्कल की इक्वेशन है। क्योंकि देखो तो दोनों का एडिशन ही ये लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू पी वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो दोनों को ऐड कर दिया तो वो सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब रेडियस निकालते हैं, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इजी था ये 26। नेक्स्ट है 29। हूँ, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ ए ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ए, क्या भाई बोलना क्या चाहता है? अच्छा, 27 के क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन है। 27 के क्वेश्चन में करेक्शन है, उसका आंसर 10 आएगा। तो नन ऑफ दिस है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में उसने 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर में 16 दिया हुआ है, वो 10 होगा। नहीं सर, 16 ही आता है। हाँ, लेकिन है ना उसमें गड़बड़ क्या हो गई ना, कि उसने है ना ये नहीं चेक किया कि रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। उसने है ना वो सॉल्यूशन में 16 निकाला है, सॉल्यूशन में 16 निकाला है उसने, पर उसने ये नहीं चेक किया कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो भी उसको देखना था कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्चुअली तो वो मिसिंग है उसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्या कह रहा है, अ कॉर्ड, तो कॉर्ड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ ए। तो इक्वल इंटरसेप्ट से मतलब स्लोप होगा प्लस माइनस वन, और इंटरसेप्ट है ए, तो लाइन की इक्वेशन हो गई एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये वो लाइन की इक्वेशन हो गई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्या हो रहा है, ये कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड है, एक ऐसे ले लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो अगर ये सर्कल की कॉर्ड है तो सर्कल को कट करना चाहिए। अगर ये कट करना चाहिए
एक्स प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम आनी चाहिए। तो बस हो गया, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम आनी चाहिए, तो मॉड ए लेस देन फोर आ जाएगा। तो मॉड ए लेस देन फोर, क्योंकि अगर रेडियस से कम नहीं आई तो लाइन बाहर निकल जाएगी, और लाइन बाहर निकल गई तो कॉर्ड नहीं होगी। तो जब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होगी तो वो कट कर रही होगी सर्कल को, और जब सर्कल को कट कर रही होगी तो उसे कॉर्ड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 डन, नेक्स्ट है 30। बस ये 30 ले लेता, बाकी का नेक्स्ट में देखेंगे। तो 30 में देखो, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन ने पूछा है वन ऑफ द डायमीटर, तो जो जो इक्वेशन सेंटर को सेटिस्फाई करेगी वो डायमीटर से पास करेगी। तो बस ए ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, बी क्या है, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, सी क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, डी क्या है, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर ये डायमीटर है तो सर्कल के सेंटर से पास करना चाहिए। सेंटर क्या है, सेंटर है नेगेटिव हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो जो इक्वेशन 6, -2 को सेटिस्फाई करेगी वो आंसर है। तो देखो ये सर, लेकिन ऐसे ही तो बहुत सारे इक्वेशंस रहेंगे ना। हाँ, तो इसलिए उसने सिर्फ ऑप्शन एक ऑप्शन चेक करने को बोला है, करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी तीन नहीं कर रही ना, तो ए नहीं कर रही, सी नहीं कर रही और डी नहीं कर रही, तो सिर्फ बी कर रही है। सर तो इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन बेस्ड है, ये ऑप्शन बेस्ड है ना, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं तो अदरवाइज ये तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन से अपने को भी पता है कि एक एक कैसे बोल सकता है ये। तो उसने बस बोला है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसा। ठीक है, सो 30 डन। ओके, सो डीपीपी 4 अपन नेक्स्ट में देखते हैं, अपना जो भी सेशन होगा उसमें। चलो फिर, है ना। सो सर आज आप कहानी सुनाने वाले थे। अरे बाप, कौन सी कहानी, कौन सी वाली कहानी भाई? सर मैंने आपको उसी दिन बोला था शर्त हम मतलब सैटरडे को लेक्चर रखो, लेकिन आपको सुनाना पड़ेगा कुछ। ऐसा है क्या? चलेगा ठीक है, तो मैं सोचता एक मिनट, ये क्या हो गया सर? थोड़ी लंबी वाली सुनाना। ऐसा क्या? वो भी चलेगा, लंबी वाली नहीं यार, मेरे पास टाइम की बांधे है, थोड़े टाइम का इशू है अपना।